रेमंड गांव में शिवरात्रि में हमेशा एक नाम यज्ञ होता है। इसमें कई लोग आते हैं, हजारों की संख्या में भगत आते हैं और हर तरफ हरे रामा हरे कृष्णा का एक नाम यज्ञ भी होता है, शिव भगवान की पूजा भी होती है। आइए मिलेंगे यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से। अपन नारा के भैया सर, अपन नारा अरुण कुमार प्रधान, सूरज मानती सर, अपन सूरज विश्वास, अपन नारा त्रिलोचन गुरु, शंकर साहू, निराकार परिडा, अपन नारा निर्मल साहू, तरणी कंसना। अब देखते हैं हम लोग सारे के सारे नौजवान हैं, कार्यकर्ता हैं, और सूरज बाबू बहुत ही एक्टिव वर्कर है और जब भी रेमंड कोई प्रोग्राम हो तो इनके बिना काम भी नहीं होता है। बिना सूरज के बाबू के बिना में अंधेरा दूर भी नहीं होता है, जब सूरज उगेगा तो अंधेरा दूर होगा। तो सर आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताइए। देखिए हर एक साल जैसे हमारे यहाँ पे महाशिवरात्रि पालन होता है उसी उपलक्ष्य में 24 फरवरी नाम यज्ञ भी होता है। तो इस अवसर में इस साल भी हम लोगों 24 फरवरी नाम यज्ञ कर रहे हैं और कल महाशिवरात्रि पालन हुआ था, बहुत श्रद्धालु आए थे। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, प्रसाद सेवन करेंगे और ये जब सब हो रहा है ये हमारे जो रेमेड का भाई लोगों ने हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उन्हीं के सहयोग से सब हो रहा है, उन्हीं के परिश्रम से आज ये सफल हो रहा है। और आपको ये एक बात बोलना चाहता हूँ, जो कि COVID-19 का समय चल रहा है, सरकार का जो नियम है उसी को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए हम लोगों ने ये शिवरात्रि पालन किए और 24 फरवरी नाम यज्ञ आज समापन करने जा रहे हैं। सर टोटल कितना टीम आया है सर, कहाँ कहाँ से है? ये करीब करीब हमारे 14 टीम आए हैं, उड़ीसा से, उड़ीसा बाहर से भी आए हैं, विभिन्न जिला से आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, टोटल हमारा 14 टीम आए हैं। धन्यवाद सर। जिस तरह आपका नाम सूरज है, आप सूरज ही बन के रहते हैं, अंधेरा दूर करने में सूरज का बड़ा हाथ होता है और हर तरफ ना कुन काम करते हैं। चलिए आपकी आवाज़ संबलपुर जसवीर सिंह गिर। अब हमारे सामने माधव डालमिया जी जो हर काम में आगे रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो तो माधव बाबू जरूर नजर आते हैं। सर आज जो यहाँ भी आज आप आए लगे हैं सर, आप भी खुद नाच रहे थे, गा रहे थे, हरे राम हरे कृष्ण कर रहे थे सर, इसके बारे में बताइए सर। देखिए ये अपना रेमंड गाँव है और यहाँ बहुत सालों से होते आ रहा है, मैंने नाम यज्ञ का और बाकी भी कई मैंने अच्छे भजन प्रोग्राम होते रहते हैं तो बराबर मैं भी आता हूँ। और यहाँ जो आने से जो अपनापन और जो आनंद मिलता है मैंने लगता है बस इसी में रम जाए। चलिए बहुत बहुत अच्छा, मैंने खुशी की बात है कि इस साल भी आयोजन करने के लिए प्रशासन ने परमिशन दिया और अपने सब मेंटेन करते हुए किए सब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माधव बाबू ने कहा कि रेमेड गांव मेरे को अपना गांव, मेरा अपना घर जैसा लगता है, यहाँ जब आ जाता हूँ तो वापस जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करें मजबूरी होती है कि एक बार जाना पड़ता है। क्यों चाहते मैं यहीं रहूँ, यहीं के कार्यक्रम में हिस्सा लूँ। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।